कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम लोग पाकिस्तान में जो पानी की जितना पानी कम हो रहा है ना, वाटर क्राइसिस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 75% दुनिया में पानी होता है और 25% दुनिया में खुश्की होती है। दिन ब दिन पाकिस्तान भी ऐसे इन्हीं मुल्क में आ रहा है जो पानी की किलर का शिकार हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, जो पाकिस्तान है वो अभी स्ट्रेस से स्कार्सिटी लेवल पे जा रहा है। उसका मतलब है, स्ट्रेस से स्कार्सिटी का मतलब है कि अभी पाकिस्तान में पानी बहुत कम है। तो व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए कि 1951 में जो पाकिस्तान का लेवल जो पाकिस्तान का पानी का लेवल था वो 5600 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा था। 1951 के बाद पानी कम होना शुरू हो गया, जैसे कि 1991 को पानी 1800 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा था, और 2016 को जो पानी का लेवल था वो 1000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा था। अगर हम लोग जो है पानी पर तवज्जो ना देंगे, पानी को ज़ाया करेंगे, ठीक है, तो आने वाले दिनों में 2025 को बिल्कुल वो जो पानी का लेवल होगा वो 500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा होगा, जो बिल्कुल स्कार्सिटी में आ जाता है, बिल्कुल स्कार्सिटी के पॉइंट में। तो व्यूअर्स, आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान बिल्कुल क्या सारे का शिकार हो जाएगा, और पाकिस्तान के पास पानी भी बहुत कम हो जाएगा। ये हम सब के लिए बहुत प्रॉब्लम की चीज़ है। तो व्यूअर्स, जो पाकिस्तान को 145 मिलियन जो एकड़ पर मीटर जो पानी मिलता है वो बारिश के होने से या जो पहाड़ों में ग्लेशियर होते हैं उनके पिघलने से मिलते हैं, जैसे कि हिमालयाज में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जब पिघलते हैं तो फिर पाकिस्तान को पानी भी मिलता है। आपको पता ही होगा कि हिमालय की वजह से ही पाकिस्तान इतना ठंडा है, वरना हिमालय ना होता तो फिर पाकिस्तान बहुत गर्म होता। तो व्यूअर्स, जो 50 से 55 मिलियन जो एकड़ हमें अलग से पानी मिलता है वो खुदाई से मिलता है, जो हमारे लिए सबसे नुकसान चीज़ है, क्योंकि अगर ज़मीन से पानी खोदेंगे तो फिर ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, फसलें भी नहीं उग सकती, और ये हम सब के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है। तो व्यूअर्स, जो 50 से 55 जो हम एकड़ जो पानी हम लोग निकालते हैं ना, उससे जो सब सरफेस एरिया है ना पाकिस्तान का, वो बहुत ही कम होता जा रहा है, और इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है कि जो जो ज़मीन में पानी है वो ज़्यादा रहे, उसमें कोई कमी ना रहे। लेकिन अभी बहुत कमी हो रही है, आप देख ही सकते होंगे अपने पंडी, पंजाब या सिंध के इलाकों में, ठीक है, उधर दरख्त बहुत कम तादाद में है, तो फिर इसलिए उधर बहुत गर्मी हो रही है। तो व्यूअर्स, जितना पाकिस्तान को पानी मिल रहा है वो 145 मिलियन एकड़ फिट है, और जितना पाकिस्तान स्टोर कर रहा है वो 27.81 मिलियन एकड़ फिट है, और जितना पाकिस्तान पानी ज़ाया कर रहा है वो 112 एकड़ क्यूबिक मीटर वेस्ट हो रहा है। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी मईशत का इन्हसार ज़रात पे है। तो व्यूअर, जितना पानी हमारा स्टोरेज होता है उसमें 69% फसलों पर जाता है, फसलों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, 23% इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल होता है, 8% डोमेस्टिक यानी कि हमारी जो ज़रूरत हो गई पानी के लिए वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर, जो फसलों में 69% हमें पानी मिलता है उनमें से 49% ज़ाया हो जाता है, क्योंकि नालियाँ कच्ची होती हैं और पानी चोरी हो जाता है। ये बहुत बड़ी वजह है,
और इससे जो है पाकिस्तान का पानी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो व्यूवर्स, जो तीसरी सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री है जो ज़मीन से पानी निकाल रही है वो पाकिस्तान है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अलग अलग जगहों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना होने की वजह से पानी में कमी हो रही है। तो व्यूवर्स, अभी जैसे कि आपको पता ही होगा कि डैम्स और लेक से पानी बहुत कम है, यानी कि अगर हम लोग अगर जो है डैम्स और लेक से पानी वाला बंद हो जाए, सिर्फ 28 दिन का पानी स्टोर है कि हम लोग पी सकते हैं। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है सिर्फ 28 दिन का पानी स्टोर कर सकता है, दूसरी तरफ जो हमारा पड़ोसी इंडिया है वो अगर उधर पानी आना बंद हो जाए तो वो 200 दिनों तक पानी स्टोर करके पी सकते हैं, ठीक है। और जो यूएस है वो जो है 900 दिनों तक स्टोरेज वाला पानी पी सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम हो रहा होगा कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ही पीछे इस मामले में। तो व्यूअर्स, जैसे कि हमारे पास डैम्स बहुत कम है, इसीलिए हम लोग पानी स्टोर बहुत ही कम कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, जो पाकिस्तान की टोटल पानी की जो कैपेसिटी है वो 27.81 मिलियन एकड़ फीट है। जो टोटल हमें पानी चाहिए वो है 40 मिलियन एकड़ फुट। तो व्यूअर्स, जो हमारा जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है वो है तरबेला डैम, ठीक है। वो 11.2 मिलियन एकड़ पानी जो है स्टोर करता है। तो व्यूअर्स, जो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बड़े डैम है जो सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करते हैं वो है भाषा और मंगला डैम, ठीक है। भाषा डैम 7.3 मिलियन एकड़ फुट जो है पानी स्टोर करता है, और जो मंगला डैम है वो 7.5 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करता है। तो व्यूअर्स, जो पाकिस्तान के दो सबसे छोटे डैम है वो वारसक और मोनमन डैम है, ठीक है। मोनमन डैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.2 मिलियन एकड़ फुट है, और जो वारसक डैम की है वो 0.025 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज रखती है। तो व्यूअर्स, जितने भी मैंने आपको डैम की कैपेसिटी बताई है इन सब की, वो उनको अगर जमा करें ऐड करें तो वो है 27.81, ठीक है। और अगर पाकिस्तान में कालाबाग डैम बन जाए तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कालाबाग डैम की जो वाटर स्टोरेज है वो है 11.6, यानी कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला नहीं होगा, कालाबाग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जब हम लोग 27.81 को 11.6 से ऐड करेंगे तो फिर ऑलमोस्ट 39 के करीब आ जाएगा, यानी कि हमारी जो ज़रूरत है ना पानी की वो पूरी हो जाएगी। तो जो पाकिस्तान में हमारा जो पानी ज़ाया हो रहा है और जो हमारा ज़मीन का जो सरफेस वाटर है वो कम हो रहा है, उसका सलूशन क्या है? सबसे पहला, हमें जो है पानी की हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, उसके लिए हमें डैम और लेक्स बनाने चाहिए। तो व्यूअर्स, जो दूसरे नंबर पे है वो हमारा एग्रीकल्चर का निज़ाम है, तो मॉडिफाइड किया जाए, ठीक है। और जो नालियाँ हैं ना, उसे नालियों की जगह पाइपलाइन डाल दी जाए, क्योंकि वो लीक ना हो, ठीक है। जो है ना पानी जो हमारा 49% जा रहा है वेस्ट, ठीक है, वो ना हो। तीसरे नंबर पे हमें जो है पब्लिक अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो है कम से कम आप पानी ज़ाया करें, लेकिन जो कोशिश करें कि आप बिल्कुल पानी ज़ाया ना करें, ठीक है। और जो गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस दे, ठीक है। जो डोमेस्टिक में हमारा पानी इस्तेमाल हो रहा है ना, उसमें आधे से ज़्यादा जो है ना पानी ज़ाया हो रहा है, तो हमें उसका ख़ास ख्याल रखना है। हमें जो है पब्लिक अवेयरनेस देनी है कि वो जो आप टैप्स खोलते हैं, ठीक है, जो आप पानी पीते हैं डिस्पेंसर से, ठीक है, वो जो है उसे ज़ाया ना करें। तो व्यूअर्स, जो सबसे आखिरी नंबर पे जो सलूशन है वो है जो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ में पानी जाता है
ठीक है, पानी तो चला गया, लेकिन जब वो निकलता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं मुख्तलिफ टाइप के, ठीक है। तो हमें जो है उसे रिसाइकल करना चाहिए। कैसे? हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग प्लांट्स बनाने चाहिए ताकि वो जो केमिकल है ना वो रिसाइकल हो जाए, ठीक है, और वो वापस से पानी बन जाए। तो अगर हम लोग इन जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन पर अमल करें तो फिर वाटर क्राइसिस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो व्यूवर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ मेरी वीडियो का एंड हो चुका है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।